ट्रेनिंग में, हमारे ब्रेन के मेन 5 लोब्स होते हैं और उसमें कुछ इनपुट जोन्स होते हैं जहां से हम इनपुट लेते हैं, बाहर की दुनिया से इनपुट लेते हैं, विजुअल इनपुट्स लेते हैं, ऑडिटरी इनपुट्स लेते हैं, काइनेस्थेटिक इनपुट्स लेते हैं, और कुछ हमारे कॉग्निटिव जोन्स होते हैं। कॉग्निटिव जोन्स के जरिए हम उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं और हम डिसीजन लेते हैं, हम सारी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, हम सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हमारे जो कॉग्निटिव जोन्स होते हैं, R1 R2 एंड L1 L2, हमारे कॉग्निटिव जोन्स है, वहीं से हम सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं और उसी की वजह से हम ह्यूमन है, हम दूसरे क्रीचर्स से बिल्कुल अलग है, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि दूसरे क्रीचर्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी हमारे पास है। तो उसका मेन रीजन है हमारे कॉग्निटिव जोन्स, जिसको R1 R2 L1 L2 या प्रीफ्रंटल और फ्रंटल लोब से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नीचे के 3 जोन होते हैं वो हमारे इनपुट जोन्स है, जिसको हम VA के भी बोलते हैं, कि जहां से हमें विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक इनपुट्स मिलते हैं, और इन उन इनपुट्स को हम कॉग्निटिव जोन्स के जरिए इंटरप्रेट करते हैं, वहां पे प्रोसेस करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, और बाद में हम प्रीफ्रंटल लोब की हेल्प से हम कुछ डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को हम दुनिया में जाकर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अलग-अलग लोब्स को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था L5, जो जिसको विजुअल एप्रिसिएशन का भी लोब बोलते हैं, जहाँ से हम एस्थेटिक को सेंस करते हैं, हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहा है उसकी ब्यूटी को सेंस करते हैं, उसके कलर शेप साइज को सेंस करते हैं। इसकी ट्रेनिंग डिटेल में अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने विजुअल में एक और पार्ट होता है जो माइन्यूट ऑब्जर्व करने का काम करता है, चीजों को डिटेल में ऑब्जर्व करता है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। कहीं पे कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें विजुअल एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे हमें ब्यूटी को सेंस करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें माइन्यूटली सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशन के हिसाब से या हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें प्रोफेशन चूज करना है। अगर किसी का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है तो उसको उसके रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करे तो वहां पे वो कम एफर्ट में ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। किसी का अगर एस्थेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग है तो उसको एस्थेटिक के रिलेटेड कोई प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो विजुअल के ये दो मेन पार्ट है, इस तरह से ऑडिटरी में भी ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑडिटरी अप्रिसिएशन, ये दो पार्ट होते हैं। ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन के जरिए हम लैंग्वेज को देखते हैं, अगर किसी का ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन अच्छा है तो उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा, उसकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, कम एज में ही वो वोकेबलरी कैच करना स्टार्ट कर देगा और कम एज में ही वो बोलना भी स्टार्ट कर देगा। उसके पास बहुत सारी रेंज होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अलग अलग तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। यहाँ पे दूसरे जोन का कॉम्बिनेशन हमें देखना चेक करना जरूरी होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को अगर हमें देखना है तो हम R4 के जरिए देखेंगे, जिसको टेक्निकली ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन का जोन भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा ऑडिटरी जोन का एक पार्ट होता है ऑडिटरी अप्रिसिएशन, उसके जरिए हम म्यूजिक को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं, वहां से हम टोन पिच रिदम को सेंस करते हैं कि पिच में थोड़ा चेंज है, रिदम में थोड़ा चेंज है या टोन में थोड़ा बहुत चेंज है, तो हम उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसके पीछे क्या इमोशंस है, वो भी हम सेंस कर सकते हैं। तो कई बार हम एक ही वर्ड को अलग अलग टोन में अगर बोले तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जिन लोगों का ऑडिटरी अप्रिसिएशन बहुत स्ट्रांग है वो लोग थोड़ा सा भी माइन्यूट अगर टोन में डिफरेंस है, म्यूजिक में पिच में डिफरेंस है, तो वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे शो हम देख रहे हैं टीवी में आजकल, रियलिटी शोज, म्यूजिकल शोज भी बहुत सारे हम देखते हैं, तो वहां पे जज
जो लोग गाने वाले होते हैं उन लोगों के पीच में या टोन में थोड़ा सा ऊपर नीचे पीच हुआ उनका, तो उनको वो सेंस आ जाता है, तुरंत उनको समझ में आ जाता है, वो तुरंत ही कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका ऑडिटरी अप्रिसिएशन बहुत ही स्ट्रोंग होता है और कंटिन्यू उस पे काम कर कर करके उन्होंने उस स्ट्रेंथ को बहुत ही अलग लेवल पे वो लोग लेकर गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी माइन्यूट चेंज भी उनको उनके दिमाग को समझ में आ जाता है। तो ऑडिटरी जोन के दो पार्ट होते हैं, ऑडिटरी अप्रिसिएशन और ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन। जिन लोगों का ऑडिटरी जोन स्ट्रोंग होते हैं वो लोग टेलीफोन पे अच्छी बात कर सकते हैं, ऑडिटरी इनपुट्स अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं। इस तरह से तीसरा तीसरा हमारा इनपुट लेने का तरीका होता है काइनेस्थेटिक, जिसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक फुल बॉडी मूवमेंट का पार्ट होता है और एक फाइन बॉडी मूवमेंट का पार्ट होता है। कोई पर्सन ऐसा होता है जो अपने फुल बॉडी मूवमेंट का बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, उसके बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, वो पूरा दिन काम करे तो भी वो थकता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको आसपास ऐसे दिखेंगे जो कंटिन्यू काम करने के बावजूद भी वो थकते नहीं है, और उनको बहुत कम आराम की जरूरत होती है, बहुत कम टाइम में भी वो खुद को रिलैक्स कर पाते हैं और फिर से वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे फुल ब्रेन पोटेंशियल भी इम्पोर्टेंट होता है, जो लोग ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं उनका फुल ब्रेन पोटेंशियल, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन L3 भी उसमें एक पार्ट होता है। L3 अगर किसी का आई है तो उसमें बॉडी की एनर्जी बहुत होती है, तो इन लोगों को फील्ड वर्क देना चाहिए या जहाँ पे भी बॉडी एनर्जी का ज्यादा यूज हो रहा है उस टाइप का कुछ वर्क देंगे तो ये लोग वहां पे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट का भी बॉडी एनर्जी आई है उन लोगों को अगर कंसंट्रेशन की कुछ एक्टिविटी करवानी है तो पहले कुछ बॉडी एक्टिविटी करवा के फिर हम उनको देंगे तो वो ज्यादा अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। और बॉडी एक्टिविटी में दूसरा पार्ट है फाइन बॉडी मूवमेंट का, जहां से हम फाइन बॉडी मूवमेंट या जेस्चर्स को हम देखते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पे हमें फाइन बॉडी मूवमेंट का कंट्रोल चाहिए। जैसे लिखना है तो वहाँ पे हमें फाइन कंट्रोल चाहिए, आर्ट कुछ ड्राइंग करना है या कुछ आर्टिस्टिक वर्क करना है तो वहाँ पे भी फाइन बॉडी कंट्रोल हमें चाहिए, फिंगर्स कंट्रोल हमें चाहिए, फिंगर्स का पूरा कंट्रोल करके वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, जिसका R3 बाई डिफॉल्ट अच्छा है। तो दो पार्ट है बॉडी मूवमेंट पे, एक फुल बॉडी को मूवमेंट को कंट्रोल करता है और एक फाइन बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह से ये तीन इनपुट जोन्स है जहां से हम सारी चीजों का इनपुट ले रहे हैं, और जो नीचे आपको दिख रहा है पेराइटल लोब, टेम्परल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, जहां से हम इनपुट लेते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया कि बर्थ के बाद हमारा ब्रेन पीछे से आगे की तरफ डेवलप होता है, पीछे मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो पहले डेवलप होना स्टार्ट होता है, विजुअल जोन हमारा पहले डेवलप होना स्टार्ट होता है, बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखता है, बहुत सारे इनपुट्स लेता है बाय बर्थ के बाद, और ऑडिटरी भी साथ साथ में डेवलप होने लगता है, वो सुनने की कैपेबिलिटी भी धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, और विजुअल ऑडिटरी थोड़ा डेवलप होने के बाद वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, काइनेस्थेटिक जोन उसका डेवलप होने लगता है। और वही टाइम होता है कि जितना हम बच्चे को सिखाना चाहें हम सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं होता है, उसके कॉग्निटिव जोन अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो इस वजह से जो भी इनपुट देंगे जो भी एक्टिविटी देंगे वो विदाउट बायस होके कुछ भी सही गलत ना सोच के वो सारी एक्टिविटी को करेगा, जो भी उसके सामने आ रहा है वो कंज्यूम करेगा। तो इसी इसी वजह से सबसे ज्यादा लर्निंग बच्चे का जब छोटा होता है तब हो सकता है, सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी उसकी होती है, और एक बार उसका बिलीफ सिस्टम बनने लगा, एक बार उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगा, बाद में उसका एक एक टाइप का माइंडसेट बन जाता है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट होता है नर्चरिंग जिस तरह से होता है उस टाइप का माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम बनने लगता है, और इस वजह से धीरे धीरे हम एक लिमिटेड दायरे में परफॉर्म करने लगते हैं, हमारा हमारा खुद के बारे में बिलीफ सिस्टम भी लिमिटेड हो जाता है,
और बहुत बहुत सारी चीजों का प्रोग्रामिंग हो जाता है हमारे अंदर अनकॉन्शियसली, जिसकी वजह से हम एक लिमिट के बाहर फिर जाना अवॉइड करते हैं, चेंज को भी हम अवॉइड करते हैं। हम मिनिमम चेंज के साथ, मिनिमम पेन के साथ सारी चीजों को रिपीट किया करते हैं, और ज्यादातर लोगों का लाइफ इसी तरीके से चलता रहता है। और इसी वजह से छोटे बच्चों को जितना हम सिखा सकते हैं, जितना अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, उतना वो एडल्ट हो गया उसके बाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कॉग्निटिव जोन्स डेवलप हो गए, उसका खुद का पर्सनालिटी, एक बिलीफ सिस्टम, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है जो नेचर की तरफ से उसको मिला है, और उसके ऊपर कुछ नर्चरिंग भी हुआ है। तो इस वजह से छोटे बच्चों को हम बहुत ज्यादा सिखा सकते हैं और सिखाना भी चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रंटल लोब, जो कि हमारा थॉट जोन है। थॉट जोन के भी दो पार्ट है, एक तो क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है और एक लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट है। क्रिएटिव थिंकिंग की हेल्प से हम सारी चीजों को विजुअलाइज करते हैं, हम नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, हम एक रोड मैप बनाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, व्हाट नेक्स्ट हमें दिखता है कि आगे अब क्या होगा, वो हम L2 से देखते हैं क्रिएटिवली। सारी चीजों को वहां पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं। तो पूरा विजुअल इमेजिनेशन का पार्ट है, 3D इमेजिनेशन का पार्ट है, वो L2 के पास है। अगर L2 किसी का अच्छा है, वो 3D में अच्छी तरह से तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, वो नई नई चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उनको उस टाइप का प्रोफेशन अगर हम दे तो वहां पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और बाद में R2, जो कि हमारा लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट है। एक बार L2 ने कुछ कंस्ट्रक्ट किया, कुछ विजुअलाइज किया या कोई गोल सेट किया, तो उसके बाद उस गोल तक प्रैक्टिकली कैसे पहुंचना है, उसका जो पूरा प्लान है, रोड मैप है, एग्जीक्यूटेबल जो प्लान होता है, वो R2 की हेल्प से हमारा ब्रेन बनाता है। एक एक स्टेप में चीजों को डिवाइड करता है, और एक एक स्टेप हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और R2 की हेल्प से हम वन बाय वन जो गोल हमने विजुलाइज किया है उस तक हम जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ब्रेन। एक राइट ब्रेन होता है, ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे आपको राइट में दिख रहा है, ये पूरा राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो पार्ट लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। राइट ब्रेन फील करने का काम करता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्रिएटिव होता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है। तो विजुअल सेंस को हमने जो देखा, उसमें एस्थेटिक ब्यूटी को फील करने का काम है, वो राइट ब्रेन का है, और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का काम, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मतलब इंटरप्रेट करना, जो भी उसको सीन दिख रहा है विजुअली, उसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लॉजिकल ब्रेन क्रिटिकल होता है, वो एनालाइज करता रहता है लगातार, चाहे कोई भी हम इनपुट ले रहे हैं या हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो लगातार पॉजिटिव नेगेटिव में वो चीजों को डिवाइड करने की कोशिश करता है, जबकि राइट ब्रेन फील करने की कोशिश करता है, उसको कैसा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो कुछ वहां पे इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, कुछ एनालाइज नहीं कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कैसा फील हो रहा है अंदर से, वो राइट ब्रेन देखता है। और इस तरह से ऑडिटरी में भी राइट ब्रेन वाला जो पार्ट है वो फील करता है वर्ड्स को, टोन को, पिच को, और जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो वर्ड्स का सिंटेक्स कैसा है उसको इंटरप्रेट करता है डिटेल में, और वर्ड्स का जो लिटरल जो मीनिंग होता है उसको पॉजिटिव नेगेटिव वे में लेता है। तो इस वजह से जिनका लैंग्वेज स्ट्रांग होता है वो लोग पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करना प्रिफर करते हैं, और वर्ड्स को यूज करने में बहुत चूजी होते हैं, या उनके साथ कोई अगर कम्युनिकेट करता है तो वो लोग भी ऐसा ही प्रिफर करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर अगर इवेंट अगर कम्युनिकेट करना है, या फीलिंग को अगर पर्टिकुलर वे में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए यही पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए। वहां पे भी लोग अगर जिनका लिंग्विस्टिक हाई है, उनके साथ कम्युनिकेट करते वक्त लोग अगर गलत वर्ड का यूज करेंगे तो ये लोग वहां पे क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स के लिए बहुत कॉन्शियस है, चूजी है।
इस तरह से कम्युनिकेशन में चेंज आएगा, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तब हमें इस तरह से सोचना है। और वो खुद भी बहुत क्रिटिकल होंगे कम्युनिकेट करते वक्त, वर्ड्स को चूज करते वक्त। और इस तरह से पेराइटल लोब में भी एक लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है जो कि फुल बॉडी मूवमेंट का पार्ट है, जहाँ पे फुल बॉडी मूवमेंट, फुल फ्लो कैसे आता है वो कंट्रोल होता है। और राइट ब्रेन का पार्ट है, वहां पे फाइन कंट्रोल, मतलब फाइन एक छोटी छोटी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, डिटेल में कंट्रोल किया जाता है, इसी वजह से वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है। और इसी तरह से जो थॉट जोन है वहां पे भी राइट ब्रेन में प्योर, वहां पे क्रिएटिव थिंकिंग्स को हम देखते हैं और क्रिएटिवली हम सारी चीजों को विजुलाइज करते हैं, नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, गोल सेट करते हैं। और लेफ्ट ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं हो पॉसिबल है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि कुछ लोग इम्पॉसिबल गोल सेट करते हैं जो कि लॉजिकल ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल गोल सेट नहीं कर सकते, वो खुद को रियलिस्टिक बताते हैं कि रियलिस्टिक ही गोल होना चाहिए, जो अचीवेबल लग रहा है वही गोल सेट करना चाहिए, अनअचीवेबल गोल सेट नहीं करना चाहिए। तो दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इम्पॉसिबल गोल सेट करना चाहिए, और एक बार गोल सेट कर दिया तो बाद में नेचर अपने आप उसको एग्जीक्यूट करता है। और हमें आज इम्पॉसिबल लगता है, वही चीज 2-3 साल बाद हमें बिल्कुल इजी और पॉसिबल भी लग सकती है, क्योंकि हम ज्यादा क्रिटिकल होके सोच रहे हैं, इसलिए हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। हमारा थॉट जोन क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग वहां पे डोमिनेट कर रहा है हमें। तो और ज्यादातर हमारा नर्चरिंग इस तरह से हुआ है, हमारा प्रोग्रामिंग इस तरह से हुआ है, तो हम दिन ब दिन जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल होते जा रहे हैं, हमारा ट्रस्ट का लेवल डाउन होता जा रहा है, हमारे इमोशंस को हम कम वेटेज दे रहे हैं, इमोशंस की बजाय हम लॉजिकली ज्यादा सोच रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉजिक बहुत लिमिटेड होता है, लॉजिक हमें एक लिमिट में सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने देता है, लिमिट के बाहर हमें सोचने से वो रोकता है। जबकि राइट ब्रेन के पास अनलिमिटेड पावर है, राइट ब्रेन के जरिए हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन हम सही तरीके से उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और जो भी हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या जो लोग कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, उन लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो सबने ऐसा ही बोला था, जो लोग हाईली क्रिटिकल लॉजिकल थे, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पागल हो चुका है बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने अचीव कर लिया तो हमने ही उन लोगों को फिर जीनियस की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसा परसीव किया था कि जो इम्पॉसिबल लग रहा था सबको, पूरी दुनिया को, उनको खुद भी लग रहा था, लेकिन उन लोगों में वो पागलपन था, उन लोगों को बिलीव था राइट ब्रेन पे, इसीलिए उन्होंने वो थॉट परसीव किया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इनिशियली उनको भी इम्पॉसिबल लगा, बहुत हर्डल आए, बहुत फेलियर आए, लेकिन आखिर में उन्होंने पा लिया, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में वो लोग जाने जाते हैं ना। इलोन मस्क उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कि वो कुछ ऐसा आइडिया लेकर आता है कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है पूरी दुनिया को, और बाद में वो एग्जीक्यूट करके उसको प्रैक्टिकली रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो उसका थॉट जोन बहुत ही पावरफुल होगा, अगर हम उसका फिंगरप्रिंट स्कैन करें तो डेफिनेटली उसका विजुअल क्रिएटिविटी भी अलग लेवल पे होगा, और उसका एग्जीक्यूशन लॉजिकल थिंकिंग जिसके जरिए हम एग्जीक्यूट करते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो कॉग्निटिव जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइफ में हमें कुछ भी बड़ा अचीव करना है कॉग्निटिव जोन का हमें सपोर्ट चाहिए। और जिन लोगों का कॉग्निटिव जोन्स बाय डिफॉल्ट कम है, नेचर ने उनको कम दिया है या कम डेवलप हुआ है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रगल बनी रहेगी। उन लोगों को जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए वो मिलने में उनको ज्यादा टाइम लग सकता है या ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम किसी का भी रिपोर्ट इंटरप्रिट करें तो कॉग्निटिव जोन समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह से लास्ट में हमने देखा था फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब कैप्टन की तरह है,
जैसे एक एवरेज टीम होती है, उसको एक बेहतरीन कैप्टन मिल जाए तो कैप्टन उस टीम से भी रिजल्ट निकाल सकता है और जीत सकता है पूरी गेम को। इसी तरह से L1 R1 हमारे ब्रेन के कैप्टन है और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अगर L1 R1 किसी के कमजोर है और बाकी के जोन चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग है, तो भी उसको कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा उसको टाइम लग सकता है सक्सेस में, या सक्सेस मिलने के बाद भी उसको सस्टेन करने में या लगातार वहां पे बने रहने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो L1 R1 सबसे इम्पोर्टेंट है। हम किसी का भी काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी का भी रिपोर्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट या किसी भी पर्सन का, तो सबसे पहले हमारा ध्यान में ये होना चाहिए। और अगर 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 किसी का L1 R1 बहुत स्ट्रांग है और बाकी के जोन एवरेज है, तो भी वो दूसरे जोन को डेवलप कर लेगा। कैप्टन अगर अच्छा है तो बाकी के प्लेयर्स को किसी भी तरह से उससे वो परफॉर्मेंस ले लेगा। लेकिन कैप्टन ही स्ट्रांग नहीं है, कैप्टन ही वीक है, तो बाकी के प्लेयर है वो कितने भी स्ट्रांग हो, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पे भी दो पार्ट है। R1 से हम इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस को देखते हैं। इंट्रा पर्सनल मतलब खुद को समझने की स्किल, खुद के पॉजिटिव नेगेटिव्स को समझने की स्किल। एक बार अगर हम फेल हो गए तो फिर से खुद को खड़ा करने की स्किल, गिव अप ना करने की स्किल, ये सारी चीजें R1 से हम देखते हैं। अगर किसी का R1 अच्छा है तो वो लगातार एफर्ट लगाएगा, लगातार खुद को करेक्ट करेगा, और एट द एंड उसको समझ में आ जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ पे उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, कहाँ पे वो काम करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और विदाउट कहीं से हमने रिपोर्ट किए भी, हमने लगातार काम कर करके कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद हमने खुद को समझ लिया कि हम अच्छे काउंसिलर बन सकते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। उसका रीजन है कि R1 कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है, वो लगातार हमारा अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहा है। तो R1 बहुत इम्पोर्टेंट। सर, टुडे वी वर अबाउट टू डिस्कस पर्सनालिटी। एनीवन हु हैज नॉट अटेंडेड द प्रीवियस सेशन कैन चेक द रिकॉर्डिंग। यस देवान जी, हम पर्सनालिटी को ही डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी था, इसलिए मैं कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ सारी चीजों को। देवान जी, पर्सनालिटी बहुत लंबा टॉपिक है और ये बहुत लंबा चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड सेट करके फिर हम पर्सनालिटी पे आ जाते हैं। तो R1 हमें बताता है कि हम अंदर से कितना स्ट्रांग है, हम खुद को कितना अपडेट कर पाते हैं, खुद को कितना अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इस तरह से प्री फ्रंटल लोब का दूसरा पार्ट होता है L1। L1 से हम दुनिया के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, दुनिया के सामने किस तरह से पेश करेंगे, या हमने जो कुछ भी डिसाइड किया है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम L1 से देखते हैं। और L1 से हम दूसरे लोगों के साथ टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और L1 से ही हम पर्सनालिटी को भी देखते हैं। L1 से अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी पर्सन या किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी को हम समझ कर ही उसको कैसे नर्चर करना है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके साथ उससे अगर कुछ काम निकलवाना है किस तरह से हम काम निकलवा सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं को, तो पर्सनालिटी के हिसाब से सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। हम अगर एक ही लैंग्वेज में सारे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, यस कुशवाहा जी, मेन पार्ट राइट और लेफ्ट ब्रेन ही होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ मेन पार्ट पे बात नहीं कर सकते, हमें डिटेल डिटेल में भी बात करनी है जब किसी का काउंसलिंग करे। मेन राइट लेफ्ट ब्रेन होता है, लेकिन उसके उसके भी पार्ट्स होते हैं। कुशवाहा जी, तो आपने सही बताया। और L1 से हम पर्सनालिटी देखते हैं।
यहाँ पे भी कुछ मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे मिथ्स है जो लोग DMIT प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।